GB24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं तनु तिवारी। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने बड़लंगा से कसमार भाया। निमड़ा पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य को लेकर कसमार प्रखंड के खुदीबेड़ा गांव का दौरा किया। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने कसमार प्रखंड के खुदीबेड़ा आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में सड़क निर्माण को लेकर 18 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण से संबंधित रैयतों व ग्रामीणों के साथ बैठक की। उनके शिकायतों पर क्रमवार सुनवाई। रैयतों व ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि कम देने की बात रखी। इसी कारण वह जिला भूअर्जन कार्यालय द्वारा दिए जा रहे भुगतान नोटिस को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने विस्तार से रैयतों व ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया। कहा कि विभाग ने आपके क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2022 में हुई भूमि की बिक्री का दर को ही निर्धारित किया है। उपायुक्त द्वारा समझाने पर रैयतों व ग्रामीणों ने मामले को समझा और भुगतान नोटिस एवं मुआवजा राशि का वाउचर प्राप्त करने पर सहमति जताई। इसी के साथ बड़लंगा से कसमार भाया निमड़ा पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य में गति का मार्ग प्रशस्त हो गया। मौके पर ही रैयतों को भुगतान नोटिस का तामिला कराया गया एवं मुआवजा भुगतान को लेकर वाउचर वितरण किया गया। ग्रामीणों ने बड़लंगा से कसमार भाया निमड़ा पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य में संबंधित एजेंसी एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। सड़क बन रही है और कुछ जमीन जो पुरानी सड़क है उसी का चौड़ाई बढ़ रही है, तो कुछ रैयतों के मुआवजा के राशि को लेके कुछ इश्यूज थे, तो आज उसकी यहाँ पे सुनवाई हुई है। लोगों को पिछले 3 साल में जो एक हाईएस्ट अमाउंट की रजिस्ट्री हुई है और उसके बाद कुछ कम अमाउंट की रजिस्ट्री हुई है, तो इस रेट डिफरेंस की वजह से रैयतों के बीच में अपने मुआवजे को लेके कुछ इश्यूज थे। उनको आज हमने समझाने की पहल की है, लोग समझ गए हैं, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट की है, साथ ही साथ उनको वाउचर के द्वारा पेमेंट भी किया जा रहा है। अब ज़मीन के अलावा जिन लोगों के घर बने हुए हैं उस सुपर स्ट्रक्चर का भी हम मुआवजा देंगे और जल्द से जल्द ये रोड एकदम निर्विवाद तरीके से शुरू हो। रोड में कहीं कहीं गड्ढे आए हैं, क्षति है, सड़क को मरम्मति की आवश्यकता है, इसको भी हम लोग पिकअप करते हुए इसका मुआवजा भी भुगतान नहीं हो पाया मैंने किसका इस रोड का भी। तो उसी का मुआवजा का भुगतान है ना अभी? हाँ, नहीं पुरानी सड़क का भी। पुरानी सड़क उसके वो पहले जो रोड बनी बोल रहे हाँ। पुरानी सड़क का भी मुआवजा रुका हुआ है, उसके बाद उसी सड़क अच्छा, ये दोनों को मिला के इस दोनों को मिला के जो हमको गवर्नमेंट से अमाउंट आई हुई है, जो राशि प्राप्त हुई है, उसका अब हम लोग मुआवजा देना शुरू। फॉरेस्ट एनओसी को लेकर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये करा, ये मैंने बोला 18 किलोमीटर का नॉन फॉरेस्ट पैच। अच्छा, नॉन फॉरेस्ट, ठीक है। एसडीओ साहब कम्प्लीटली अभी इस रोड के निर्माण के चार्ज में रहेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिस और अंचल कार्यालय के साथ समन्वय प्रस्थापित करते हुए रैयतों का भी विश्वास संपादन करते हुए इस रोड को कम्प्लीटली पूर्ण करेंगे। मैं आप सभी लोगों का इसमें सहकार्य चाह रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में ताई। झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आप अपना चैनल GBN24 न्यूज।